नई बाइक नहीं है, और भी बाइकें जा रही हैं। एक तो अभी हम फाइनल करने जा रहे हैं जिसकी हम कल या परसों में डिलीवरी ले लेंगे कल। तो भाई ये ट्रक जो है ना, ये चीटी है। जैसे चीटी अपने से 10 गुना बाहर ले जाती है ना। ये हमने लिया है आमिर भाई के लिए, ये वाली बाइक। कौन प्रमोद? वो कौन है प्रमोद भाई? ये देख लो, कबूतर ने टट्टी कर दी भाई तुम्हारी बाइक पे ना। टायर तो हो गया चेंज एकदम। मेरी बाइक में डिप्पर है ना, ऐसे ऐसे मारता हुआ जाऊंगा, निकलवा दूंगा उनको भाई। ऐसी ले जाऊं क्या? जहां जहां हमारी खाने की प्लेट जाएगी वहां वहां साथ में कोको भी जाएगा। इसको पता है क्योंकि ये भी मेरे साथ थोड़ी सी रोटी खाता है। हाँ चला जा, आ जा, आ जा। और ये देखो यहाँ से हमने शूज वाला रैक हटा दिया, बहुत सारे बंदे करते हैं, अच्छा नहीं लगता। अभी हमने ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन यहाँ पर कुछ अलमीरा बनाएंगे या बाहर बनवाएंगे। आ जा, चला आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। खाएगा रोटी है? पहली ग्राही तू ही खा। आ गया मजा। चलो बस अब और नहीं मिलेगी, और नहीं मिलेगी। आपने अपना खाना खा लिया ना, अब जाओ यहाँ से, बाय बाय। तो यहाँ इंटरकॉम लगा दिए चार्जिंग पे, क्योंकि आज पूरा दिन अपने को बाइक पे ही घूमना है। उसके बाद गोप्रो सेट करेंगे, फिर हम गायब हो जाएंगे। और जा कर रहे हैं आपको बताऊं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और अभी का सीन क्या है ना, सबसे पहले हमें जाना है एडवांस देने के लिए। जो कल हम आमिर भाई के लिए बाइक देख कर आए थे, उनको भी पसंद आ गई, हमें भी पसंद आ गई, उन्होंने मेरे अकाउंट में भेज दी है। तो मैं जाऊंगा वहां पर, फाइनल डील करके आ जाऊंगा कि हाँ भाई इतने की हम बाइक ले रहे हैं, पेपर ट्रांसफर कैसे होंगे, क्योंकि उनकी आईडी वहां की है, बाइक दिल्ली नंबर है। सारा डिस्कशन करने के बाद हमें करवाना है अपनी 1200 का टायर चेंज। वो टायर चेंज करवाएंगे आज, हम पूरी फाइनल तैयारी कर लेंगे। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, मैं सोच रहा हूँ ये वाला हेलमेट पहन के जाऊँ, लेकिन मेरे को ध्यान आ रहा है भाई इसमें से तो मैंने माइक ही निकाल लिया है। ये जो आप माइक देख रहे हो ये इंटरकॉम का माइक है, और गोप्रो वाला जो माइक है वो है ही नहीं इसके अंदर, पूरा निकाल दिया है। अब इसमें दोबारा सेट करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी। और उसको देखो, अगर उसने तेरी नाक पे चक मारा तो नाक गायब हो जाएगी। अभी हम दोस्त बन चुके हैं। अच्छा, तेरे को लग रहा है ऐसा? नहीं, दो दिन बाद पूछूंगा। कुछ गलत फहमी पाल ली है तूने, कोई बात नहीं। चलो इसका सेटअप करेंगे और फाइनल है, यही वाला हेलमेट पहन के जाऊंगा। अच्छा भी लगेगा नई बाइक के साथ ना, और बाइक का कलर भी कुछ ऐसा ही है तो मैच भी करेगा उसके साथ। अभी दिखाएंगे आपको। तो आज हमारे घर में चल रही है साफ सफाई। जितने मकड़ी के जाले हैं ना, सबके सब ऊपर से गायब हो जाएंगे और इसके अंदर आ जाएंगे। कुछ तो आया है। क्या बात है, आज तो दीदी सफाई कर रही है। नहीं तो दीदी हमारी बाइकों के बीच में कभी सफाई नहीं करती। कहाँ करते हो? करते हो? ये इतनी, ये बताओ इतनी मिट्टी कहाँ से आई? फिर कह रही तुम, मैं क्या करूँ? चल नहीं नहीं, मैं देखो ये दोनों बड़ी बाइक भी हटा रहा हूँ, यहाँ से भी कर देना बीच में से। अभी हम ये दोनों बाइकें लेके जा रहे हैं भाई साथ में, ये ट्रैवल करने वाली है बहुत दूर इंटरनेशनल। आज इनकी पहली राइड है दोनों की साथ में ना। वाह क्या बात है। बाइक चलाने की इतनी खुशी है ना, हेलमेट ऊपर ही बोल गया, अब हेलमेट लेकर आएंगे। आज तक ऐसा नहीं हुआ, मतलब ऐसा हो रहा है कि बाइक चलानी है हेलमेट। चलो भाई हमारी बाइक का वार्म अप भी हो गया, हेलमेट भी आ गया, अब हम जा रहे हैं लॉन्ग राइड पे। चले भाई, पेट्रोल है ना तेरी बाइक में? मेरे में भी दिखा रहा है 263 किलोमीटर। चलो ठीक है, हो जाएगा आज का टूर तो इस पे। कितना बढ़िया लग रहा ना, ऐसा लग रहा है अपनी बाइक है ही नहीं, कलर चेंज होने से ऐसा लग रहा है बाइक ही मैंने नई खरीदी है। और सुंदर कितनी लग रही है भाई। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। अब 10 12 15 दिन जब हम राइड पर रहेंगे, ये सुंदर बाइकें आपको देखने को मिलती रहेंगी। और यही बाइक नहीं है, और भी बाइकें जा रही हैं। एक तो अभी हम फाइनल करने जा रहे हैं जिसकी हम कल या परसों में डिलीवरी ले लेंगे, कल परसों में आमिर भाई आ जाएंगे तो वो भी आपको दिखा देंगे। और कौन कौन जा रहा है, मतलब इस बार हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है, बड़ा ग्रुप सबके सब। यहाँ कट रहा है चलान, और वो हमारी बाइक को भी देखा कैसे देख रहे थे। पूरा उन्होंने मुंडी घुमा दी थी देखने के लिए, ये कौन से कलर की बाइक है, थी सुंदर। तो अभी हम उम्मीद करते हैं आज हमें जाम नहीं मिलेगा। टाइम 3:09, ऑफिस का टाइम तो नहीं है, नहीं मिलना चाहिए जाम, सही टाइम पे निकल गए हैं। बाकी होना वही है जो ऊपर वाले का मंजूर हो। अच्छा ना करूँ, कह रहा आप उम्मीद मत करो, जब भी आप ऐसा उम्मीद करते हो हमेशा जाम मिलता ही मिलता है। तो हम कुछ नहीं बोल रहे भाई, अब तो बोल दिया यार। लो भाई आज हमारी भविष्यवाणी सही हो गई है, आज नहीं मिला जाम।
पहली बार ऐसा हुआ हमारे मुंह से निकला और हम मनुष्य नहीं निकले जा भी नहीं मिला भाई। ये देखो भाई ये ट्रक जो है ना ये चीटी है, जैसे चीटी अपने से 10 गुना बाहर ले जाती है ना, ये देखो क्या छोटा सा ट्रक वो बड़े से ट्रक को लेके जा रहा है। हेलो चीटी ट्रक, इसका नाम हमने दे दिया चीटी ट्रक। भाई ब्रीदा का क्या हाल हो गया, पलटी खाई है पक्का, छत गई हुई है ना, बस बंदा बच गया। गाड़ी बाइक के दोबारा बन जाती है, बस बंदा सेफ रहे ना, कमा के फिर बना लेगा। और यहाँ मिल गया थोड़ा बहुत जाम, ज़्यादा नहीं है, बस ये मोड़ है ना यहाँ पर, इसकी वजह से जाम लगता है ये वाला। भाई जहाँ कभी ट्रैफिक नहीं मिलता ना, आज वहाँ भी ट्रैफिक मिल रहा है। अब ये नहीं पता कितना लंबा है, और अभी इतनी तेज गर्दन पर खारिश हुई ना, मैंने एक ग्लव्स उतार दिया, बड़ी तेज हुई, मतलब ऐसा हो गया था रुका ही नहीं गया, ग्लव्स से करने की कोशिश करी हुई नहीं, फिर मैंने ग्लव्स उतारा जाम में चलते चलते ना। ओ भाई साहब ये डिजायर ये एमजी दोनों आपस में ठुकी हुई है, हाल फिलहाल ही ठुकी है ना, इसी के चक्कर में जाम लगा हुआ था। देखा आगे रास्ता खाली है, इसी बात पे अपन ग्लव्स भी पहन लेते अपना। अरे भैया कहाँ बैठे हो, चलो। ओ भाई साहब ये तो वही बाइक है जो कल हम वहाँ देख कर आए हैं, क्या बढ़िया लग रही है ना रोड पे चलती हुई। अरे तूने छुपा दी मेरे को तो देखने दे, बढ़िया लग रही है आगे से ना, बढ़िया लग रही है। करते हैं इसका जुगाड़ ना, एक येलो कलर की बाइक अपने को चाहिए मॉन्स्टर ना, अपने गैराज में। गैराज इतना भर देंगे ना डीलर भी फेल हो जाएंगे लोग बोलेंगे भाई क्या चाहते हो, बस अपने शौक है यार, जब तक हम कमा रहे हैं बाबा जी हमें दे रहे हैं, बस शौक पूरे कर रहे हैं। और बाय चांस ये बाइक पड़ी रही इन फ्यूचर तक तो ये एंटीक बन जाएंगी फिर हमारे पास पड़े पड़े, फिर उसके बाद हमारे और आपके बच्चे देखेंगे ये एंटीक बाइक हमारे पास कि हम लोग ये वाली बाइक चलाते थे, मतलब क्या अलग लेवल का मज़ा आएगा ना। यहीं से लेना अपने को यूटर्न, आमिर भाई की बाइक की पेमेंट कर देते हैं फिर गायब हो जाएंगे। ओ भैया ऑटो वाले यहाँ भी देख लेना, वो तूने मोड़ भी दी, ले मैंने भी मोड़ दी। थोड़ा पार्किंग पुर्किंग बनाओ, कोई बंदा बंदा है कहाँ बाइक खड़ी करेगा। भाई क्या लग रही है यार अपनी बाइक देख के दिल खुश हुआ जा रहा है मेरा ना। ओ भाई ह्यूज भी है ना और कलर भी अच्छा लग रहा है। ये देखो अपनी मल्टी शाडा भी यहाँ खड़ी हुई है, सेम हमारी वाली बाइक है ये 4050। और ये देखो सिंगल सिंगल मल्टी शाडा भी आ गई है, V2 ये V4। हाँ। लेकिन सही लग रही है ना, एग्जॉस्ट भी अच्छा लग रहा है, सही है। अब इनमें से देख लो हमने कौन सी बाइक सिलेक्ट करी है आमिर भाई के लिए, आप लोग गेस करो। हाँ है टूरिंग है, सुपर बाइक नहीं है, टूरिंग है, टूरिंग बाइक के सारी यहाँ खड़ी है, आप लोग गेस कर लो। जिसने गेस किया उसको भाई आमिर भाई की तरफ से 5000 इनाम, आमिर भाई की तरफ से मैं बात कर लूंगा उनसे, जिसने एकदम एग्जैक्ट लिया ना आपने ये वाली बाइक लिए 5000 एक साथ दे देंगे, मतलब EMI भी नहीं एक साथ दे देंगे भाई, पर्सनल 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 ये याद रखना। बाय बाय, 2 या 3 दिन में आते हैं बाइक उठाने के लिए, पेमेंट आ गई है ना पूरी पूरी। चलो ठीक है भाई, ग्लव्स उठा ले, ग्लव्स ना भूल जाए यहाँ पर। भाई हमने लिया है आमिर भाई के लिए ये वाली बाइक, ये जाएगी भाई इंटरनेशनल, मजा तो आएगा ना। तो अभी मैं सागर भाई को अपनी बाइक दिखा रहा हूँ, ये तो देख ली ना आपने वीडियो में, वो देखो उधर सामने, और जेन्युइन वाला रिव्यू देना कैसी लग रही है, हैं है ना, सीट देख रहे हो, पैसा वसूल पूरा 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 पूरा, फिर ठीक है। कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, हे भगवान मेरी अच्छी नहीं लग रही, समीरन बेच उस बाइक को, यही चलाएंगे हम खरीदने को तैयार हूं। चलो भाई चलो लेट्स गो, एक काम खत्म, आमिर भाई को खुशखबरी दे दिया है, आप लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट कर देना उनको नई बाइक के लिए। मेरे ख्याल से हम 2 या 3 दिन में डिलीवरी ले लेंगे, जब उनकी फ्लाइट है उसी दिन ले लेंगे। अभी हम जा रहे हैं अपनी 1200 का टायर चेंज करने के लिए, टायर चेंज हो जाएगा फिर हो सकता है शाम को जाएंगे हम इस बाइक के पैनियर लेने के लिए, जो कि बहुत खूबसूरत बना दिए हैं, काफ़ी काम कम्प्लीट हो गया, शाम तक कम्प्लीट हो गया तो ले आएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर कल ले आएंगे, टेंशन नहीं है, हो जाएंगे सारे काम धीरे धीरे ना। हेलमेट पहन के चलाओ पहले तो ना, रेड लाइट पे खड़े तुम इतनी बड़ी बिना हेलमेट के, प्यार के लिए तो ठीक है, कुछ हो जाए क्या फायदा है ना। अरे अरे और सब बढ़िया, मैं एकदम ठीक हूँ एकदम। कौन प्रमोद, वो कौन है प्रमोद भाई, हैं खैर प्रमोद
और तुम्हारा नाम राहुल? रोहित। राहुल, अगर मैं प्रमोद हो सकता तुम राहुल क्यों नहीं हो सकते? सही है भाई, मोती नगर खड़े हैं। अभी वापसी में आते हुए ना अपने घर भी होते जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, पहले टायर चेंज कराएंगे, फिर वापसी में मोती नगर आएंगे। मम्मी पापा से मिलने, उनको भी तो बाइक दिखा देना कितनी बढ़िया बढ़िया हमने बना दी है। तो स्टैंड लगा के बैठ गया भाई। और सब बढ़िया? चलो चले मितवा। भाई इस रिक्शे पे लिखा हुआ है सभी प्रकार के नशे छुड़वाएं, नंबर नोट कर लेना। मेरे को लगता है जिसको भी नशा छोड़ना होगा उसको ई रिक्शा दे देंगे, 24 घंटे ई रिक्शा चलाना है तुम्हें, नशा करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। नहीं नहीं कुछ ना कुछ तो होगा, कर लेना भाई फ़ोन जिसको करना हो, कोई नशा छुड़वाना हो किसी आस पड़ोस किसी का भी। भाई मेरे को ये बता, ये हमारा बाइक का नशा भी छुड़वा सकते हैं क्या? नहीं ना, ये नशा कोई नहीं छुड़वा सकता है ना, बाइक वाला नशा तो मतलब ऐसा नशा है ये कोई छुड़वा ही नहीं सकता, कुछ भी कर लो भाई, ये नशा तो अलग ही नशा है। ओ भाई साहब, लड़की चला रही है बाइक, देख के अच्छा लगता है, बस हेलमेट और पहना होता ना और ज़्यादा खुशी होती, लेकिन बढ़िया है, R15 है भाई। हाँ मैंने उसको थम्सअप भी दिखाया, वेरी गुड। हाँ मुड़ गई वो, ये भी रुक रहा है, कह रहा मैं भी उसको थम्सअप दिखाऊंगा, वो मुड़ गई उधर, तो मेरे को दिखा दे, मैं तेरा थम्सअप उसको दे दूंगा। आजकल ना हवा बढ़िया चल रही है, देखो हमारे देश का तिरंगा क्या लहरा रहा है, बढ़िया। भाई ये गाय का चलान नहीं कटेगा क्या, रेड लाइट में जा रहा है? कौन सी दीदी को का? अच्छा ओ भाई साहब, वो तो लेकर ही आ गई, अब बैक ले रही है, अब बैक ले रही है, एकदम से रेड लाइट हो गई होगी ना, उसको पता ही नहीं लगा होगा। हमारी होगी क्या ग्रीन? ए रिक्शे वाले भैया कहाँ को चल दिए तुम? अच्छा रेसा लाएगा क्या? कुत्ता बिल्ली आ गया ना बीच में। भाई तब बिखर जाएंगे दोनों। अब तो हल्की सी भी स्पीड में चलाए ना, हमें ऐसा लगता है भाई कोई ना कोई बीच में आ जाएगा, मतलब वो हिम्मत हो ही नहीं पाती है ना, अब वो खत्म हो गई हमारी हिम्मत है ना, मतलब हल्की सी चला ली है 3-4 सेकंड बस, इतने में हो गया, अब धीरे आ जाओ। ये क्या ही बांध रखा है भाई, बंदा कहाँ बैठा है पहले ये देखो, अच्छा है आगे। भाई साहब फुल लोडेड, हाँ मेरे को लगा रिमोट कंट्रोल है, घर से चला रहा है ड्रोन की तरह। सही लग रही है ना, मजाक से पलट के अलग ही लुक निकल के आ रही है ना। हाँ और बेहतरीन लग रही है, जो देखते ना भाई यही बोलता है। ये जो हमने कलर कॉम्बिनेशन यहाँ किया है ना, ये लगता है अलग लेवल, और इससे ना हमने सीट मैच कर दी ना, ये और ये ऐसा लग रहा है सीट साथ में ही है सब कुछ। हाँ जैसे BMW ने कोई नया कलर लॉन्च कर दिया है, देख लो BMW वालों ऐसे कलर भी निकाल सकते हो, कुछ करो टेढ़े मेढ़े कलर निकालने से बढ़िया तो। भाई तुम्हारी फोटो खींच रहे थे, मैंने कैमरा छीनी है इससे बिना बताए वो भी। ये देख लो भाई इनका काम इतना स्लो है ना, टायर यहीं का यहीं पड़ा, पिज्जा ऑर्डर करा 1.25 घंटे में पिज्जा आ गया हमारे पास, लेकिन टायर नहीं खुला इनका। 10 मिनट में आया पिज्जा, 10 मिनट में आया पिज्जा, 1 मिनट तुम्हें कितनी देर हो गई आए हुए? जनवन वाला आधा घंटे, आधा घंटा इन्हें हो गया, तुमसे 15 मिनट पहले के हम बैठे हुए हैं, कहां से हो गए 15 मिनट बाद ऑर्डर किया था ना यार। भगवान से डरो, भगवान से किसी से तो डरो, चलो पिज्जा खा लेते इसी बात पे, खोलो। चलो भाई चमचमाता वो पिज्जा आ जाओ फटाफट से खा लो। घर भी जाना होता और भी काम होते हैं, और आज मेरे दिमाग में एक काम और आ रहा है कि ना अपनी बाइक का एग्जॉस्ट भी चेंज कराया, तो इतनी लंबी राइड है ना एग्जॉस्ट चेंज होगा, जो पटर पटर वाली आवाज है ना जैसे ऑफ रोड बाइक की होती है, अलग ही लेवल का मजा आएगा। तो अगर हमें टाइम मिला टाइम से करोल बाग पहुंच गए तो चेंज करवा लेंगे आज ही। भाई पटाखा बोलेगा क्या इसमें? नहीं पहले बोल चुका है। कब बोल दिया हमने, तो नहीं सुना, बहुत पहले बोल दिया। अच्छा तो भाई हो गया टायर चेंज, फिट होते गायब हो जाएंगे। साहब भाई ये देख लो कबूतर ने टट्टी कर दी भाई तुम्हारी बाइक पे ना, टायर तो हो गया चेंज एकदम बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये देखो शगुन है, ये शगुन, शगुन है ना पिंकी पे कोई हक किया। ये कह रहे इस बाइक का नाम पिंकी रख दो, पिंकी पे किसने पॉटी कर दी है। चले भाई चले, धीरे चलाना, आ जा। तो यहाँ से ना आप देखो करोलबाग का रास्ता पता नहीं है गलियों में से, तो हमने गूगल में अपना साथ में ले लिया, ये रहा देखो स्कूटी का कलर भी सेम है। ओ मेरी बाइक जैसा कलर करा लिया स्कूटी में भी, शर्म कर लो शर्म, इतनी चीटिंग नहीं करनी चाहिए,
तो अब हम जा रहे हैं एग्जॉस्ट चेंज कराने के लिए। आज सारे काम ना टाइम से हो रहे हैं, दिन दिन में हमारे दो काम हो गए, बाइक की पेमेंट कर दी, बाइक फाइनल कर दी, इसका टायर चेंज हो गया, एग्जॉस्ट भी चेंज हो जाएगा ना, सारे काम निपट जाएंगे एकदम। बस बाइक की डिलीवरी लेनी है और गायब हो जाना हमने। भाई लड्डू खिलाओगे क्या? अरे अरे शुक्रिया। लड्डू वाले भैया जा रहे थे। ओ, 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 ओ। अरे हमारा गूगल मैप कहाँ गया भाई जाम में? मैंने उनको पहले बोलता स्कूटी ना धीरे चलाना, वो ऐसे ऐसे शाय शाय करते हुए गायब हो जाते हैं। निकल गए कहीं, निकल ही गए गूगल मैप हमारा। चलो कोई बात नहीं, खुद ही ढूंढ लेंगे कहाँ जाना है। हल्का सा हमें रास्ता खाली मिला, हमने अपने गूगल मैप को ढूंढ लिया। आगे आगे भाग रहा था, क्या फ़ायदा गूगल मैप साथ लाने का, अकेला ही चलता जा रहा है, लोकेशन में पहुँच जाएगा अकेले ही। देखते ही देखते दिन भी ख़त्म होने वाला, और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। टाइम 6:27, और यहाँ देखो एम्बुलेंस फंसी हुई है बेचारी यार, पता नहीं पेशेंट होगा अंदर या पेशेंट लेने जा रहे होंगे। इंडिया की रोड ना, सारी की सारी रोड पूरे इंडिया में इतनी बड़ी होनी चाहिए कि एम्बुलेंस के लिए अलग ही रास्ता होना चाहिए, कि जिसको इमरजेंसी है कम से कम टाइम से पहुंच तो जाए ना यार। सही बात है ना, बता रहा बेचारा ये भी जाम में फंसा हुआ है, आम पब्लिक तो फंसी हुई है। अब आगे इतनी बड़ी बस है, रोड इतनी चौड़ी है नहीं कि बस के साइड से एम्बुलेंस निकल जाए। साइड में पार्किंग भी है, गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है, देखो होंडा सिटी जैसे रोड पर खड़ी है। तो एम्बुलेंस वाले भाई रॉन्ग साइड जाने की सोच रहे थे, लेकिन रॉन्ग साइड में भी हाँ आगे रेड लाइट है ना, ट्रैफिक रुका हुआ है, जा तो सकता है वैसे ही है। हाँ अरे बस आ रही है ना आगे से, यहाँ भी जगह नहीं है, यहाँ भी जगह नहीं है। हाँ बस आ रही है ना बड़ी, वहाँ अटक जाओगे। आने दो पीछे, आने दो आ जाओ, आगे आगे चलता हूँ मैं। मेरी बाइक में डिप्पर है ना, ऐसे ऐसे मारता हुआ जाऊंगा, निकलवा दूंगा उनको। हट जाओ भाई हट जाओ, डिप्पर से फायदा हो जाएगा ना, दूर से दिख जाएगा। साइड हो जाओ भाई, साइड हो जाओ, दूर से भी दिख रहा है तुम्हें आ रही है, फिर तुम घुसी जा रहे हो जबरदस्ती। दिख रहा है एम्बुलेंस आ रही है, आंखें है ना। सही है यार, किसी की हेल्प हो जाओ, और क्या कर सकते हैं। मैं तो साइड से आ गया, वो दोनों पीछे रह गए। देखो यहाँ रोड पूरी खाली पड़ी है, शायशा करती हुई निकल गई ना। लो भाई हम लोग भी पहुंच गए जहाँ हमें पहुंचना था। ये देखो भाई मैं भी पहुंच गया, ये भी पहुंच गया, ये आ गया हमारा गूगल मैप। काहे के गूगल मैप हो तुम? बस के पीछे नहीं, मैं एम्बुलेंस निकलवाता, मैंने साइड से एम्बुलेंस निकलवाई। अरे मैंने उसको बोला निकाल ले देखा जाएगा, मैंने एम्बुलेंस वाले को बोला तू निकाल देखा जाएगा, मैं आगे आगे चल रहा हूँ। मैंने जो डिप्पर मारे ना भाई, सारी गाड़ियां साइड, उनको लगा पता नहीं क्या ही ट्रक आ रहा है क्या आ रहा है, ऐसे डिप्पर मारे सारी गाड़ी साइड, एम्बुलेंस 5 मिनट में बाहर। झूठे कहीं के कहीं फंस गए, कह रहे हमारा वेट कर रहे थे। तो तुम्हें ये नहीं दिखाता हुआ, तुम्हें ये नहीं दिखाता हुआ, ये दिखे तुम पीछे फंसे और भी ज्यादा, इनको पता भी नहीं चला आप कब निकले हो, है ना? सुबह पता ही लगा मेरा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पहले इसने जान लगाई अब इसने जान लगाई, तुम्हारे बाद तुम्हारा भाई आएगा। ला निकाल दिया भाई इसने, हो गया काम। ये बात अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे मकड़ी का जाला है। हाँ। भाई जाला नहीं है, कीचड़ है, कीचड़ की लाइनें बनी हुई है। चलो एक बार साउंड सुन लेते, 3-4 एग्जॉस्ट लगा के जोन सा सही लगेगा वो फाइनल कर देंगे। करूँ क्या ऑन? बता दियो। ऐसी ले जाऊं क्या? भाई पूरी राइड में सिर्फ इसी की आवाज आएगी, मेरे गोप्रो में आवाज ही नहीं आनी किसी चीज की, सिर्फ यही यही यही। लाओ भाई हमारा नया फोन दिखाओ। लो भाई पुराना कर भी दिया आपने भाई, नया फोन का हमने पुराना भी कर दिया, तो इस पर ना स्क्रीन गार्ड नहीं लगा हुआ, स्क्रीन गार्ड लगवा रहे हैं। और ये देखो ये कितना बढ़िया है ना इसका। लो भाई लो ये देख लो भाई, कभी वीजा कार्ड से तुमने स्क्रीन गार्ड लगते हुए देखा? देख लो इनकी शक्ल, देख लो ध्यान से जरा, मुंडी से करना मुंडी, ये चैंपियन के चैंपियन है, किसी से भी लगा सकते हैं, उंगली से भी लगा सकते हैं, ऐसे करके ना खून से ना।
कमल भाई बताओ कैसी लग रही बाइक? मस्त, एक नंबर। जेन्युइन वाला रिव्यू? जेन्युइन वाला बताऊं, वीडियो में उतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी सामने से देखने में लग रही है, क्योंकि वीडियो में उतने कलर ना निखर के नहीं आता जितने सामने से लग रही है। समझ में भी नहीं आ रहा, यहाँ पे एग्जैक्ट समझ में आ रहा। अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। इंटरनेशनल राइड की पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी, फुल तैयारी। तो देखो भाई, सीन ऐसा है, अपने को ना कोई भी एक दोस्त समझ नहीं आया, मतलब मेरे को जैसी आवाज चाहिए ना वैसी आवाज निकल नहीं रही, लेकिन अपन ने एक काम हमने किया है, हमने ना इसके पीछे वाले इंडिकेटर चेंज कर दिए हैं। चलाना, वाह, अब इंडिकेटर में रेड लाइट भी चलेगी। इंडिकेटर देना, ये देखो ये इंडिकेटर ऑन हो गया। बहुत सही, बहुत ही बेहतरीन। ये भी जो नई GS आ रही है ना, GS, उसमें यही वाले इंडिकेटर आ रहे हैं, तो हमने इसमें अपग्रेड कर दिया। और एग्जॉस्ट का हम क्या करने वाले हैं ना, चेंज तो हम करेंगे, लेकिन जो मासूम की बाइक में एग्जॉस्ट लगा हुआ है ना, वो मेरे को बढ़िया लगा था, तो वो बाइक कहीं और खड़ी हुई है, तो कल जहाँ बाइक खड़ी हुई है वहीं जाएंगे, मासूम की बाइक से एग्जॉस्ट निकाल के अपनी में लगा देंगे, अपने वाला उसकी बाइक में लगा देंगे, तो वो काम बढ़िया हो जाएगा। ये काम हम कल कर लेंगे, क्योंकि अभी तो रात हो गई है, जहाँ खड़ी है बाइक वो जगह ही बंद हो गई है, देख लेंगे कल कर लेंगे मैनेज, लेकिन इंडिकेटर वाला काम बढ़िया हो गया। खंबा बीच में आ रहा है यार, पागल है क्या? बाइक बढ़िया लग रहा है ये, इससे ऑन लुक निकल के आ जाएगी ना अपनी बाइक की। इसको लंबा उधर खींच, एक्चुअली इसमें येलो कलर है ना, येलो येलो मैच करेगा, इसलिए हमने ये वाला लगवाया। ये देखो भाई, पूरा टैंक पैड लगाने के बाद ऐसी लुक आ रही है कुछ। चलो भाई निकल गए हैं, देखिए पीछे वाले इंडिकेटर सही लग रहे हैं, रेड लाइट जल रही है इसमें, बढ़िया लग रहे हैं ना। हाँ चलो सही है, हैजार्ड ऑन करूँगा ना चारों इंडिकेटर, आप देख है ना, ब्रेक मारने में और लाइट जलेगी है ना। हाँ है ना, बढ़िया लग रहे हैं ना, पैसे वसूल हैं। चलो सही है, थोड़ा थोड़ा करके ना, देखो वो जो बाइक्स है ना वो हमारी परमानेंट है, जितनी बाइक्स हमारे पास है हमने सोचा उनको रखेंगे लाइफ टाइम, कभी भगवान ऐसा ना कर दे कि बेचने की जरूरत पड़े, तो हम उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा करवाते रहते हैं, ताकि हमें भी मज़ा आता रहे और आपको भी मज़ा आता रहे। आज लगता है दिन हमारा अच्छा है, जाते टाइम भी हमें जाम नहीं मिला। ये देखो ये धोलो वाला रोड है जहाँ पूरा जाम भाई, बाइक निकलने की जगह नहीं होती, पैदल निकलने की जगह नहीं होती, एकदम खाली पड़ा। सही, आज कुछ है त्यौहार व्यौहार है या क्या, गेस्टेड हॉलीडे, अपने को नहीं पता। जब मैं जॉब करता था ना ऑफिस में, तब मेरे को सारा पता रहता था कि आज गेस्टेड हॉलीडे, आज ये त्यौहार है, क्योंकि बीच में इतने सारे त्यौहार आते हैं किसी न किसी रिलीजन के ना, तो अपने को पता नहीं होता, बस ये होता है गेस्टेड हॉलीडे है, तो आज कुछ ना कुछ तो मेरे को लग रहा है शायद। लो भाई, होम स्वीट होम। एक बार न्यूट्रल करके पीछे वाला इंडिकेटर देखूंगा, कुछ नया काम कराओ, बार बार देखने का मन करता ना। और एक बार आपको टाइम बताऊं, टाइम हो चुका है भाई 9:27, बढ़िया लग रहे हैं। पहले खाली बैक लाइट जलती थी, अब ये दोनों इंडिकेटर भी चलते हैं ना, रेड लाइट, ब्रेक मारने पे और डार्क होंगे। एक बारी मारियो ब्रेक, हाँ बढ़िया लग रहे हैं, बढ़िया, जोरदार ताली है मेरे लिए। ये भी सही लग रहा है, हैजार्ड लाइट। ये देखो भाई, आते ही मैं जैसी सोफे बैठूंगा, इसको भी सोफे बैठना है। हाँ हाँ, सूंघ ले सूंघ ले, अच्छे सूंघ ले। आज कोई भी डॉगी नहीं मिला आज मेरे को, कोई भी सुन रहा है? अच्छा तू सूंघेगा, ठीक है, है? मैं तेरे घर पे आजा, लड़ाई हो जाए। चलो ठीक है यार, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा। एक काम रह गया बस एग्जॉस्ट वाला, वो मेरे को आज ही लगा करवाना चाहिए, पहले मैंने सोचा नहीं था एग्जॉस्ट चेंज करवाता हूँ, फिर मेरे को लगा भाई लंबी राइड है, एग्जॉस्ट चेंज होगा ना चलाने में और ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो काम हो नहीं पाया, उसको कल लपेट लेंगे। बाकी एक दो छोटे मोटे काम और है, वो होए होए ना होए तब भी चल जाएगा, लेकिन हाँ दिन है अपने पास तो कल कर लेंगे। उसके बाद आमिर भाई आ जाएंगे, उनकी बाइक की डिलीवरी ले लेंगे, उसके बाद हम हो जाएंगे गायब यहाँ से। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करें बिना बिल्कुल मत जाना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, मिलते हैं किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय 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 कोको। ओए तू भी तो बाय बाय करो कोको, सुनिए नहीं रहा। यही है इसकी बाय 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 बाय, चलो बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत वाली मैंने दौलत वाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।